राधे राधे अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता हे अशरण शरण तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण तुम अपनी कृपा से ही हमको अपना लो हे करुणा सागर हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है
एकमात्र चाह है। हे नाथ, हे नाथ, अपने विरत की ओर देखकर, अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश न करो, इस अधम को निराश न करो। हे जीवन धन, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव
नतवारी नतवारी जी आरती प्रीतम प्यारी जी के बनवारी नतवारी जी तुमन सिंह कनक मुकुट झलके तुमन श्रुति कुंडल बल हलके तुमन दृग प्रेम सुधा छलके कसीले बैन रसीले नैन कसीले सैन तुमन नैनन मन हारी की बचवारी नतवारी आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की दुहुन दृग चितवनि परवारी दुहुन लट लट कनि छवि न्यारी दुहुन भौमट कनि अति प्यारी प्रसन्न मुख पान हसन मुस्कान प्रसन्न दम कान दुहुनी बेसर छवि न्यारी की बनवारी नतवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नतवारी एक उर पीतांबर फहरे एक उर नीलांबर लहरे दुहुन उर लर मोतिन छहरे कंकनन खनक किंकिनिन झनक नूपुरन भनक दुहुन रुन झुन धुनि प्यारी बनवारी नतवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नतवारी की एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चूनर छवि छाजे दुहुन सिर तिर छे बल भ्राजे संत ब्रज बाल लाड़ी लीलाल पाह गल डाल कृपालु दुहुन दृग चारी की बनवारी नतवारी की आरती प्रीतम प्यारी बनवारी नतवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी Yes, yes, I...
पतित जो पतितना तोरे चरण
चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे नाथ
चारे
दीनानाथ मोहि का
समझा। फिजिकल ड्रिल करते हैं,
भगवान के निमित्त सात इंद्रियों की भक्ति, इंद्रियों से आंख से जा रहे दर्शन करने, पश्चिम नारायण हो आए हम और अहंकार पैदा हो गया। हम ये जो इंद्रियों की भक्ति करते हैं इससे और हानि हो रही है, क्योंकि हमने 10 लाख जप किया, 1 करोड़ जप किया, राम 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 लिख रहे हैं, ओ खर्रा लिख डाला करोड़ों नाम। ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन ये उपासना नहीं है। उपासना माने पास जाना, भगवान के पास जाना। ठंड लग रही है हाँ, तो आग के पास जाओ तो ठंड जाएगी, आग के पास जाओ। खाली मुंह से बोलो आग के पास जाने से ठंड चली जाएगी, आग के पास ठंड जा, ऐसे नहीं जाएगी, जाओ। हम लोग क्या करते हैं, रामायण गीता भागवत का पाठ क्या पाठ कर रहे हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे ये तो भगवान ने अर्जुन से कहा था, तुम किससे कह रहे हो? तुमको तो करना चाहिए शरणागति, प्रैक्टिकल। तो मन से हम नहीं साधना करते, भक्ति करते, इसलिए मन शुद्ध नहीं होता, इसलिए करप्शन है। मन को शुद्ध करना है, वो मशीन है मेन, सारी गड़बड़ी उसी से हो रही है। चैलेंज कर रहा है वेद बार बार, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 5-3। ये मंत्र साध्यायिनी उपनिषद में भी है, 1 मंत्र। चित्त में वह संसार, चित्त ही संसार है, ये साध्यायिनी उपनिषद का 3रा मंत्र है। महोपनिषद का 4थी अध्याय का 66वां मंत्र है। ये मैत्रेयी उपनिषद में भी मंत्र है, 1 अध्याय का 5वां मंत्र। ये तेजो बिंदु उपनिषद में भी मंत्र है, मन एव हि संसारः, 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। और भागवत में भी है ये प्रमाण, के तक खलवस्त बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम, 3:25:15। मनः परम कारण मामनन्ति भागवत, 11:23:43। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, ये अनुराग। संसार से मन हटाओ, ये वैराग्य। पेड़ के नीचे जाके बैठकर माँ बाप बेटा बीबी का चिंतन करो, ये वैराग्य नहीं है, बेवकूफ बनाने का वैराग्य है। हम लोग सब गृहस्थी लोग, देखो एक बाबा जी है जंगल में रहते हैं, रात को रसगुल्ला खाते हैं। अरे देखो, मीना स्नान परा फणि पवन भुम मेषश्च परणाशनो नीराश खलु चात गोहिनितराम शेते बिले मूषका। मछली पान गंगा जी में ही रहती है, वही पैदा हुई, वही रही, वही मर गई, क्या उसको बैकुंठ मिलता है? सारी मछलियां चली गई, बोलो कहा लिखा? सांप हवा खा के रहता है, कोई योगी हवा खा के भी रह ले तो सांप के बराबर हो गया। बस मैं
विशिष्ट परनाशनो भेड़ बकरियां पत्ते खा के रहते हैं। कोई बाबा जी खाली पत्ते खा के रह रहे हो तो भेड़ बकरी के बराबर हो गए। इससे भगवान से क्या मतलब? मन कहां है ये पूछो। मन गड़बड़ी तो मन में है ना, पाप पुण्य सब मन से होता है, उसको शुद्ध करना है। देखो गधे की अकल से समझो, एक शीशी लो उसमें गंदी चीज भर दो, पेशाब वगैरह गंदी चीजें, और पैक कर दो और गंगा जी में डुबो दो, 24 घंटे बाद निकालो, पैकिंग खोलो, आचमन करोगे, क्या गंदी बात करते हो, क्यों 24 घंटे तो रहा है वो गंगा जी में। अरे तो गंगा जी में वो यूरिन कहां मिला, उसमें तो शीशी ऊपर थी। हाँ तो श्रीमान जी ऐसे ही आप गंगा जी नहाते, ये बॉडी आपकी नहाती है, मन बाहर देखता रहता है, वो स्त्री नहा रही है, वो पुरुष नहा रहा है, वो नाव जा रही है, अरे हमारा कपड़ा रखा है कहीं पंडा पार न कर दे, उसमें 500 रुपया है, ये मन कर रहा है। मन ने समझा गंगा जी कौन है, कौन सी पर्सनैलिटी है गंगा, उनका स्वरूप क्या है, उनका रूप ध्यान किया नहाते समय, अजी नहीं ये कौन करता है, बस एक डुबकी दो डुबकी। अरे आजकल तो ये होता है, तो पड़ोसी ने कहा एक डुबकी हमारी भी लगाया ना दूसरे की डुबकी लगाते हैं लोग। सेठ जी लखपति करोड़पति हैं, है पंडित को बुलाओ और उसे मंत्र का जप कराओ, बेटा बहुत सीरियस है, तो पंडित जी जप करेंगे, उनको 200 रुपया दे दो, बेटा जो है मृत्यु को जीत ले, मृत्यु को जीत ले। जिनके मामा भगवान कृष्ण और जिनके बाप अर्जुन और ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार, तीन तीन सुप्रीम पावर, और उत्तरा विधवा हो गई, अभिमन्यु मारा गया और किसी ने नहीं बचाया, तब बैठे हैं श्री कृष्ण भी बैठे हैं अफसोस कर रहे हैं, अर्जुन भी बैठा है, और हम 10-20-50-100-200 देख करके पंडित जी को बुला के और मृत्यु को कंट्रोल में करने जा रहे हैं। क्या मंत्र है जी वो, त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, एक मंत्र है उसी का जप करते, और पंडित जी औंघा रहे हैं वो जप ठीक कर रहे हैं कि नहीं, और कर भी रहे हैं तो अक्षरों के बोलने से क्या होगा, मृत्यु को कोई नहीं जीत सका, इतने महापुरुष हुए सबको जाना पड़ा। अरे हमारे यहाँ शंकराचार्य वल्लभाचार्य निम्बार्काचार्य बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादा हुए, शंकराचार्य 32 साल में चले गए, उनसे पूछो क्यों भाई तुमको अभी तो युवावस्था है, अरे ठहरो अभी ना, और नहीं ये समय हो गया आप तो जाएंगे, मृत्यु निश्चित है, भक्त को जाना होगा, भगवत प्राप्त महापुरुष हो चाहे मायाबद्ध हो, एक हंसता हुआ जाएगा, एक रोता हुआ जाएगा। महापुरुष लोग शरीर छोड़ते हैं स्वेच्छा से और हमारा शरीर छोड़वाया जाता है, हम दुखी होकर छोड़ना पड़ता है, क्या करें, जमराज है ले जा रहा है। तो इस प्रकार मन कारण है, इसलिए मन
मन से राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए रोकर केवल उनका दर्शन मांगो, केवल उनका प्रेम मांगो, संसार न मांगो। आज जितनी भक्ति हो रही है देश में संसार मांगने की, हो जा रहे हैं वैष्णो देवी, हो जा रहे हैं तिरुपति मंदिर, अरे तुम्हारे बगल में तो है मंदिर एक, अरे वो तो ऐसे ही है, वो बड़े भगवान वहां के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भगवान में भी सही बटा होता है क्या? वो बड़े भगवान है छोटे भगवान? अरे पूर्ण मदा पूर्ण मिदम, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वव्यापक है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी, चेताक्षतरोपनिषद 6:11। इसलिए हमको ये याद कर लेना चाहिए कि चाहे 10 मिनट भक्ति करें, मन से करना है। ये पहले सबक खोपड़ी में लावे और भगवान का रूप ध्यान बनावे और फिर उनके मिलन के लिए, वे ही हमारे सब कुछ है। ये संसारी बाप, ये माँ, ये बीबी, ये बेटे, ये तो सब छूटेगा। हाँ छूटेगा तो हम भी जानते हैं, रोज देखते हैं, बड़े बड़े खरबपति भी चले गए, बड़े बड़े डॉक्टरों के दादा भी चले गए, बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, जाना तो होगा। वो फिर असली बाप जो जीवात्मा का है, ये तो वायमान भूतानि जायन्ते, तैत्तिरीयोपनिषद 3:1 वेद कह रहा है, सब जीव भगवान के पुत्र हैं, उनसे उत्पन्न हुए हैं, वो सदा साथ रहता है। आपको मरने के बाद कुत्ते का शरीर मिला, भगवान कहते हैं हम भी साथ रहेंगे, डरो मत। वृक्ष बने, भगवान कहते हैं वहां भी हम साथ रहेंगे, तुम्हारा साथ एक सेकंड को छोड़ेंगे नहीं, हमारे बेटे हो, ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुम? लेकिन तुम्हारे कर्म नोट करेंगे, कृपा नहीं करेंगे। कृपा तब करेंगे जब मेरी शरण में आ जाओ। अब तो कृपा ही कृपा लो, तुम्हारे त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोट सब समाप्त कर देंगे, और अपना ज्ञान अपना आनंद वो दे देंगे, और सदा को दे देंगे। विश्वास कर लो, देखो संसार में तो इतना विश्वास करते हो तुम। एक बेटा कहता है हमारे पिताजी हैं ये तुम्हारे बाप है, सिद्ध करो। सिद्ध करो क्या? सब कहते हैं, मम्मी कह रही थी, चाचा जी कह रहे थे, ताऊ जी कह रहे थे। अरे उनके कहने से क्या होता है? हो सकता है तुम्हारी मम्मी करेक्टरलेस हो, असंभव है क्या? नहीं, असंभव तो नहीं है मायापद के लिए, तो फिर तुम क्या दावा करते हो वो हमारा ही बाप है? लेकिन पक्का विश्वास है हमारा बाप है? देखो ये झूठी मूठी बात पर इतना विश्वास क्यों हो, और जो असली बाप है उसकी कोई चिंता ही नहीं। तो हमको सोचना है, समझना है, और अपने मन को भगवान में लगाना है। देखिए आप लोग जब संसार में आए, मां के पेट से बाहर गिरे, उस समय जो अवस्था थी
उसी अवस्था पर एक दिन जाना होगा, जाना होगा, तब भगवत प्राप्ति होगी। वो क्या अवस्था थी? कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति है उस बच्चे की, क्योंकि वो न बोल सकता है, न चल सकता है, न करवट बदल सकता है। भूख लगी रो दिया, पेशाब कर दिया, ठंड लगी रो दिया, पेट में दर्द हुआ रो दिया, सब रोगों की एक दवा रो दिया। अब मम्मी सोचे क्यों रोया, अब मम्मी तो अल्पज्ञ है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा दूध पीने से दर्द हो रहा और दूध पिला दे। लेकिन हमारी मम्मी जो है भगवान, सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृत सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो गलती नहीं कर सकता। इसलिए हम उसी बालक के रूप में आ जाए, पांडित्यम निर्विद्य बाल्ये न तिष्ठा से, वेद कहता है बृहदारण्य को उपनिषद 3:5:1, फिर बालक बनो। ये जितनी चालाकी कमाया है पड़ोसी से, बाप से, माँ से, किताब से, पिक्चर से, तमाम गोबर भरा है, ये सब निकालना पड़ेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भोले बालक बनकर भगवान को पुकारो। महाराज हम आपको जान नहीं सकते, हमारी बुद्धि माइक है, देख नहीं सकते, हमारी आंख माइक है, अनंत बार देखा है राम कृष्ण को हम लोगों ने, लेकिन क्या कहा, लफंगा जा रहा है लड़कियों के पीछे, लोग कहते हैं ये श्री कृष्ण भगवान है, क्या लोग भी पागल है, वो कह रहे थे दुर्भाषा, वो बुड्ढा भी पागल हो गया। उस समय हम लोगों ने ये कहा, जब वो चले गए अवतार, तो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, फिर ये करते हैं हम लोग। तुलसी हो, सूर हो, मीरा हो, शंकराचार्य बल्लभाचार्य, सब संतों को उनके जमाने में ये जा रहा है कपड़ा रंगा है, ऐसे खिल्ली उड़ाया, जब वो चले गए तो पूजन हो रहा है उनका, लाभ नहीं लिया उनके समय में। ये हमें रियलाइज करना है और ठीक ठीक मन से साधना करना है, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब हमारे आइडिया शुद्ध होंगे, किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा मन सही हो जाए, और अगर मन सही नहीं है तो एक एक आदमी के पीछे एक एक पुलिस, एक एक मिलिट्री लगा दो, कभी संसार में न चैन न सुख न शांति कभी नहीं मिलेगी। जिसको लगाओगे वो भी कहेगा 5 रुपया दे दो तुम, यही हो रहा है हमारे संसार में। अपराधी छूट जाते हैं, मेरा अपराध को सजा हो रही है। हर देश इस प्रकार समझ बूझ करके ठीक ठीक साधना करना चाहिए, ऐसी हमारी राय है। मैं कोई जगत गुरु होके नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपका भाई होके राय दे रहा हूँ, एडवाइजर। और ये जरूरी नहीं है कि आप मान ले। भगवान राम ने एक बार लेक्चर दिया, एक बार अयोध्या में, एक बार रघुनाथ बुलाए, तो डर के वहां भी डर राम राज्य में, कभी देखो मैं लेक्चर देने जा रहा हूं, लेकिन नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई,
मैं राजा हूं, इसलिए मान लो बात हमारी। ऐसा नहीं, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, सुन लो जो तुमको अच्छा लगे वो करो, तू ऐसा फल पाओगे। मैंने तो शास्त्र वेद की बात बता दी, कोई अपनी जेब से बताई नहीं। आपने शास्त्र वेद नहीं पढ़ा है तो हमने उसको बता दिया, मानो न मानो ये आप लोगों का। बोलिए लाडली लाल की।